माय फ्रेंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब का एक ऐसा हैक बताने वाला हूँ जो आज से पहले आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, और मैं बता सकता हूँ आपने ऐसा वीडियो यूट्यूब में नहीं देखा होगा पहले। इस हैक का तो बिल्कुल नया है, कहिए शायद कुछ ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो ये हैक जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह हैक पहले नहीं पता होगा, आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो गाइस, इस हैक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ, गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ अपना। फिर आप इसमें अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, मैं यहाँ पे कोई कॉपीराइट फ्री वीडियो सर्च मार लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नो कॉपीराइट वीडियोस हैं ये सारे इधर। तो इनमें से जैसे मैं ये ऐड गया इसमें, तो इस वीडियोस का अब यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये इसे यूआरएल कहते हैं, ये जो यहाँ पे लोकेशन बार में नज़र आता है। तो इसे यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आपका ब्राउज़र का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके बाद आप अपना कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में जो भी है उसमें वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन कर लीजिए। वीएलसी मीडिया, आई होप आप सबके कंप्यूटर में होगा, अगर नहीं होगा तो डाल लीजिए। फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है मीडिया का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्रीम करके, आपको स्ट्रीम पे क्लिक करना है। ठीक है, स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाएगा, फाइल, डिस्क, नेटवर्क, कैप्चर। या तो यहाँ पे आपको नेटवर्क में चले जाना है सीधे सीधे। नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आपको ये पूछेगा, प्लीज़ एंटर अ नेटवर्क यूआरएल। तो यहाँ पे जो हमने वो वीडियो का यूआरएल कॉपी किया था वो सीधे सीधे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे नीचे स्ट्रीम का बटन दिखाएगा आपको, तो इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, स्ट्रीम के बटन पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा, फिर एक और बार नेक्स्ट करिएगा, एक और बार नेक्स्ट करिएगा, फिर अगेन स्ट्रीम का बटन दिखाएगा, तो स्ट्रीम पे क्लिक करिएगा। अब देखिए ये वीडियो स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, इसी तरह यूट्यूब से हो रहा है। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं। एक तो इसमें आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी जो वीएलसी के जो भी फंक्शनैलिटी होती है वो आप जो यूट्यूब में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ये देखिए। और अभी तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पे। टूल्स में इफेक्ट एंड फिल्टर, इफेक्ट एंड फिल्टर में वीडियो इफेक्ट में, वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद एडवांस में चले जाइएगा। तो लास्ट में ऑप्शन आएगा एडवांस में। अगर आप ये यहाँ पे एक ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एनाग्लिफ 3D का ऑप्शन आपको दिखेगा, बस ये आपको चेक कर देना है। चेक कर दिया, फिर क्लोज कर दीजिए, देन बूम, ये देखिए ये वीडियो 3D में हो चुका है। अब आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है इसका। अगर आप पे 3D चश्मा है तो आप इसको 3D में एंजॉय कर सकते हैं। पे गए टूल पे जाने के बाद अगर आप इफेक्ट एंड फिल्टर में जाओगे तो यहाँ पे वीडियो के इफेक्ट भी सेट कर सकते हो, जो कि नॉर्मल यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी सर्विस है। यहाँ पे जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ, आपको जैसे इसकी ज्योमेट्री चेंज करनी है, ये देखिए वीडियो की थोड़ी ज्योमेट्री चेंज करके रोटेट पे क्लिक करते हैं पहले। ये देखिए कैसे वीडियो रोटेट हो रहा है, ये देखिए वीडियो को पूरा उल्टा घुमा दिया है मैंने, ये देखिए। ये सब आप जितने भी वीएलसी के फीचर है आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। एक तो आपको ऐड भी नहीं देखने वाला, और आप वीएलसी की मीडिया प्लेयर की मदद से इस वीडियो का पूरा मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए
कलर है, कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं वीडियो के यहाँ से। अगर आपको कलर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ऑडियो इफेक्ट आपको जिस तरीके का चाहिए वो कुछ डाल सकते हैं यहाँ से इन इक्वलाइजर को सेट करके। और बाकी अगर आप यूट्यूब का इस वीडियो को, सेम वीडियो को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे, अब ये कन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा तो इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करना है। तो देखिए अब जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल पूछेगा, मतलब वो किस लोकेशन में आपकी वीडियो को सेव करेगा। तो यहाँ पे आपको लोकेशन दे देनी है, जैसे मैं यहाँ पे यही नाम दे देता हूँ और यही लोकेशन दे देता हूँ उसे, चलो डेस्कटॉप में डाल देते हैं, डेस्कटॉप में डाल देते हैं इस नाम के साथ, और स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो को डाउनलोड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको वीडियो के डाउनलोड करने के लिए भी ऑफलाइन कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से स्ट्रीम करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसी सीरीज के आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर और भी